आज बहुत ही बढ़िया हम नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं। तो सुबह शाम जब भी हल्का फल्का भूख महसूस हो तो एक बार इसे ट्राई कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, वीडियो एंड तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी हम रेसिपी लाए हैं, तो सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो बार बार टिफिन में यही मांग करेंगे, तो ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिए हैं ये आलू। तो दो आलू था, मीडियम साइज़ का दो आलू हमने छिलका हटाकर और उसे हम ग्रेट कर लिए हैं और इसे पानी में छोड़ दिए ताकि काला ना पड़े। अब चलिए पानी इसे हटा लेंगे, बढ़िया से निचोड़ लेंगे पानी और इसे एक बॉल में धर लेंगे। और इधर हम कढ़ाही चढ़ा लिए हैं गैस पे। कढ़ाही हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम एक बड़े चम्मच, इसमें डालेंगे तेल और साथ ही डालेंगे एक चौथाई चम्मच जीरा, थोड़ी सी राय, एक चम्मच भरकर सफ़ेद तिल, तिल हो तो ज़रूर से डाल लीजिएगा, बहुत ही क्रंची टेस्ट देता है इसे। और इसमें आधी चम्मच डाले हैं हम कूटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच भरकर डाले हैं उड़द का दाल। बहुत ही अच्छा, ये सारे चीज़ जब भुन जाता है ना तो बहुत ही अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है। जब पानी डालते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब फ्राई करते हैं तो फिर से क्रंची आ जाता है। और साथ ही फ्लेवर के लिए डालिए कड़ी पत्ता, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मन है तो डालिएगा या तो स्किप कर सकते हैं। और एक इंच अदरक का टुकड़ा को हमने ग्रेट करके डाल लिए हैं, ऊपर से डाले हैं ताकि हल्का सा इसका कच्चापन जब खाने के टाइम जाए मुंह में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो चलिए सारे चीज़ हमारा बढ़िया से भून चुका है, तो अब इसमें डाल लेंगे पानी। पानी किसी भी बर्तन से नाप कर लीजिएगा, जैसे कि दो कटोरी हम पानी डाल रहे हैं तो इसके हम एक कटोरी सूजी ऐड करेंगे, तो माप बिल्कुल परफेक्ट है। दो कटोरी पानी तो एक कटोरी सूजी डालना है हमें। अब साथ में डाल लिए स्वाद के अनुसार नमक के, और इसे हम बढ़िया से उबाल आने देंगे। तो चलिए इसे पहले हम इसमें डाल लेंगे दो बड़े चम्मच दही। आप चाहे तो नींबू का रस या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम दही डाल लिए हैं और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दही को बढ़िया से फेंट कर लीजिए, हम नहीं फेंटे हैं लेकिन कोई बात नहीं, बाद में मिक्स हो जाता है। देखिए बढ़िया से उबाल आ गया है, तो इसमें डाल लेंगे जो हमने ग्रेट करके आलू रखे हुए थे ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे बढ़िया से फैला लेंगे, मिक्स कर देंगे और इसे एक उबाल बढ़िया से आने देंगे ताकि आलू हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे हम एक उबाल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बढ़िया से उबाल आ चुका है और हमारा आलू हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि हम बारीक वाले छेद से इसे ग्रेट किए थे तो ये बढ़िया से बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये ब्रेड। तो ब्रेड को हमने तीन स्लाइस हमने ब्रेड को लिए थे, उसे हमने ग्रेट कर ली, बढ़िया से पीस लिए हैं, ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो आधे अभी डाल लिए हैं इसमें, आधे को हमने बाद में इस्तेमाल करेंगे। और देखिए सूजी जो हम पानी लिए थे ना जो बॉल से, उसी बॉल से हम एक कटोरी भरकर सूजी लिए हैं। तो दो कटोरी पानी के लिए एक कटोरी सूजी बहुत ही परफेक्ट है, तो हमने डाल लिए हैं। और फ्लेम को इस समय हमें लो रखना है ताकि सूजी बहुत जल्दी से पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारा सूजी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, पानी जल्दी से ना सूखे। तो सूजी जब सॉफ्ट होने लग गया तो पानी अपने आप हिसाब से सूख जाएगा। अब इस समय हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च का पाउडर है, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आता है। साथ ही भुनी जीरे पाउडर डाल दिए हैं। अब सारे चीज़ को हम बढ़िया से कर लेंगे मिक्स, और इसे लगातार चलाते हुए हमें एक डो के फॉर्म में लाना है, इतना सुखाना है कि बढ़िया से एक डो की तरह सेट हो जाए। तो बस ऐसे ही फ्लेम लो कर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से डो के फॉर्म में आ गया है। तो इस समय लास्ट में हम डाल देंगे एक चम्मच भरकर चाट मसाला, बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट देता है। साथ ही बारीक कटकी हुई हरी धनिया डाल दिए हैं और इसे बढ़िया से चला लेंगे। हरा धनिया पहले डाल देने से ना ब्लैक सा हो जाता है, तो इसलिए बाद में इस्तेमाल किए हैं। फ्लेम को हम इस समय ऑफ किए हुए हैं और इसे मिक्स कर लिए हैं। अब चलिए इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। कढ़ाही गर्म है तो कढ़ाही में छोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसे हम एक बाउल में इस तरह से निकाल कर फैला लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसे छोड़ देंगे। तो देखिए करीब 10 से 12 मिनट हुआ है और इस बहुत बढ़िया से हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए, तभी हमें ये प्रोसेस अपनाना है। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना में ही हमें ये काम करना है। हाथों में तेल लगाएंगे और इस तरह से मसलते हुए इसे बढ़िया से
सेट कर लेंगे यानी कि डो के फॉर्म में लाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा चिकना ये डो बनकर तैयार हो गया है। आलू है तो चिपकता है, तो इसलिए हल्का सा ऑयल ज़रूर से लगा लीजिएगा। एक प्लेट लिए हैं और उस पर भी इस तरह से हम तेल को ग्रीस कर लिए हैं और सारे डो के एक बार में इस पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो गया है, तो बिल्कुल भी ये मतलब फट नहीं रहा है, दरारें नहीं आ रहा है। और इस तरह से हम स्पैचुला के सहायते हम सारे को फैला लिए हैं। अब इस तरह से मतलब धारदार कटोरी लेना है और इसे हम बढ़िया से इस गोल शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से जो भी चाहे आप शेप दे सकते हैं, सिलेंडर का शेप या मतलब कटलेट का शेप, जो भी आपको मन है वैसे शेप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा या वैसा। देखिए इस तरह से हम अब उठाएंगे एक एक पीस करके, और जो आलू का लच्छे जो है ना वो हल्का सा निकलता है, तो हाथों से सेट करते हुए हमें इस तरह से बढ़िया से शेप दे देना है। तो चलिए सारे को हम इसी तरह पहले शेप दे देते हैं, तैयार कर लेते हैं। बहुत ही इजीली ये हो जाता है, ट्राई कर कर देखिएगा, बिल्कुल भी आसानी है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए बस इस तरह से घुमाते हुए हमें सेट कर लेना है, बस आलू के लच्छे जो है ना वो निकलता है, तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो देखिए सारे हमारा ये कटलेट बन गया है। तो अब क्या करेंगे, अब एक एक पीस लेकर हम इसे कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हम बता देते हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके लिए मैदा का या आटा का घोल बनाकर उसमें डिप कीजिए, उसके बाद कोटिंग कीजिएगा, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। हम आज ऐसे ही कर रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल भी घोल में हम नहीं डिप कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करते हुए सारे को पहले रख लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्रेड क्रम्स बढ़िया से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से कोटिंग हो गया है। आप पे अगर ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मैदा का घोल बनाकर उसमें पहले डिप कीजिए कटलेट को, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब चढ़ाइएगा। तो आज हम कोई रीजन है इसलिए हम थोड़ा सा क्रिस्पी कम बना रहे हैं, इसीलिए हम मैदा का घोल नहीं बनाए हैं। आप चाहे तो बना लीजिएगा, अच्छा बनेगा। सारा हमारा बन गया है। अब इधर कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम एक एक पीस करके डालेंगे जितना कि आ सके। तो अभी के लिए तो इसमें तीन पीस ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा और हमारा ये टूटने का चांसेस रहेगा। और फ्लेम को बिल्कुल लो पर नहीं रखिएगा, फ्लेम हमें हाई रखना है, क्योंकि सारे चीज़ ऑलरेडी पका हुआ है और लो फ्लेम पर टूटने लगता है, तो हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इसे उलटते पुलटते हुए हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि हमने हाई फ्लेम पर किए हैं, सारे चीज़ पका हुआ है। तो बस हमारा हो गया है, अब इसे एक एक करके निकाल लेंगे सारे को। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है, हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल ईजी है बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लीजिए सब किए हैं। और फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी आज का कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये इजी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हुआ है। सुबह शाम जब भी भूख लगे ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है। बच्चे को अगर लंच बॉक्स में दीजिएगा तो ये चट करके आएंगे, मेरा गारंटी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।